राहुल गांधी की संसद सदस्यता सूरत कोर्ट ने रद्द कर दी, जिसके बाद उनसे उनका बंगला भी खाली करा दिया गया। लेकिन क्या राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ सकती है? क्या राहुल पर आए सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लग सकती है? इस सवाल पर जवाब दिए पूर्व न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग ने। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग ने एक चैनल को बताया, अब जब राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है तो वो आगामी 2024 के आम चुनाव तब तक नहीं लड़ पाएंगे जब तक कि उनकी अयोग्यता की तरह अगर एक अपीलीय अदालत उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाती है तो वो चुनाव भी लड़ सकेंगे। प्रदीप नंदराजोग ने आगे बताया, स्थायी रोक लगाए जाने से पहले दोष सिद्धि पर अंतरिम रोक भी काम कर सकती है और राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है। इसकी पुष्टि होने तक एक अंतरिम रोक भी पर्याप्त है। हालांकि आपराधिक मामलों में अंतरिम रोक थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि दूसरा पक्ष हमेशा इसे तुरंत चुनौती दे सकता है, लेकिन अगर दोष सिद्धि का फैसला रद्द नहीं होता तो राहुल गांधी 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि अयोग्यता सजा पूरी होने के अगले 6 साल तक बनी रहती है। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट उनकी सजा पर रोक लगाता है तो राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता को रोका जा सकता था। जस्टिस नंदराजोग की माने तो अगर राहुल गांधी ने अपनी अपील में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की और कोर्ट आगे बढ़कर उस पर रोक लगाती है तो वो अब अयोग्य नहीं होते। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि स्टे उनके दोष सिद्धि पर होना चाहिए, न कि केवल सजा की अवधि पर। आपको बता दें कि गुजरात की सूरत कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई। राहुल गांधी ने कथित तौर पर मोदी सरनेम का उपयोग करके विवादित स्पीच दी और इसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिनों के अंदर सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका देने के लिए जमानत दे दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।